C24R न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के आजमगढ़ में महंगाई, अराजकता, बेरोजगारी सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने आज नगर के कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करने के साथ भाजपा सरकार को जमकर कोसा। इस दौरान प्रसपा के नेताओं ने कहा, आज देश और प्रदेश के किसान, गरीब, नौजवान, मजदूर सभी परेशान हैं। भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए है। प्रदेश में अराजकता का माहौल व्याप्त है। धरने में पहुंचे पार्टी के महासचिव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सेकुलर दलों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर सेकुलर दल एक नहीं हुए तो पार्टी अकेले ही सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने में सक्षम है। आजमगढ़ से राम सकल यादव की रिपोर्ट। इस तरह से किसानों का शोषण हुआ है, उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, खाद महंगी है, छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। उस सब के खिलाफ हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सांप्रदायिक शक्तियों को हराना चाहते हैं। सबसे कह भी रहे हैं, जो सेकुलर ताकतें हैं, एक हो जाओ,